अच्छा तो वहाँ देखो ज़रा, वो जो आदमी सो रहा है ना, बड़ी चैन की नींद सो रहा है, तो मैं उसको परमानेंट सुलाना चाहती हूँ, मीन्स उसको मैं मारना चाहती हूँ। मारना चाहते हो? आप उसे मारना क्यों चाहते हैं? यार तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मैंने सिर्फ जितना बोला है ना, तुम दोनों को उतना ही करना है। करने के लिए तैयार हो तो बताओ। मैम एक बात बताओ, हम आपका ये काम क्यों करेंगे? इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा? बात तो तुम सही कह रहे हो। कितने पैसे चाहिए? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख? वैसे मैम एक बात बताइए, आपको हमें देख के क्या लगता है, हम मर्डरर हैं? हम पैसे के लिए उस भोले भाले मासूम इंसान की हत्या कर देंगे? सॉरी मैम, अगर आपने हम दोनों के बारे में ऐसा सोचा है ना, तो आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। तो फिर देर किस बात की? और वैसे भी पैसों से ज़्यादा इंसान की कीमत तो कभी नहीं है, हमेशा पैसों की कीमत ज़्यादा रही है। लेकिन मैम इतने पैसे में मानने वाले नहीं हैं हम। कोई नहीं, ये एडवांस है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, 50 लाख में डील डन। पहले तुम अपना काम करो, जाओ। ठीक है मैम, जल्दी जाओ। हो गया काम। मैम ये लीजिए, हमने तो आपका काम कर दिया, अब आप भी जल्दी से हमारा काम कीजिए। कौन हो तुम? कौन से पैसे? क्या काम? मुझे क्यों काम बता रहे हो? वही पैसे जो हमारे बकाया हैं। पैसे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? मैं तो तुम दोनों को जानती भी नहीं हूँ। मैम ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वरना हम पुलिस में बता देंगे हमने जो कुछ किया है आपके कहने पे किया है। ओ, मेरे लिए क्या किया तुमने, जरा बताओगे? मैडम ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है, हमारे हाथों अपने पति को मरवा के बकवास कर रही है। अब ये पैसे देने की बारी आई, तब फटाफट हमारे पैसे दो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे अभी। कितने भोले हो तुम दोनों। पुलिस को तुम दोनों बुलाओगे? चिंता मत करो, पुलिस को मैंने बुला लिया है तुम दोनों का काम आसान बनाने के लिए। पुलिस को बुला लिया, काम आसान मतलब? मैडम साफ साफ बोलो क्या कहना चाहती हो, और फटाफट हमारे पैसे निकालो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। क्या क्या तुमने? टाइम नहीं है तो जाओ ना, किसने रोका है? निकलो यहाँ से, मैं तो नहीं रोक रही। अच्छा हमारे साथ शान पट्टी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वरना तेरे को पता है ना, एक आदमी मार सकते हैं और टूटे भी मार सकते हैं हम। राजीव छोड़ो, एक काम कर, हमारे पास पैसे आ गए, इसका भी काम तमाम कर ही देते थे। नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, सीधी तरह पैसे देगी या तुझे भी तेरे पति के पास पहुंचा दे। बोल। अरे रुक जाओ, तो मैं आया हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? पुलिस। हाँ मैडम, तुमने फोन करा था के? हाँ सर, मैंने आपको फोन किया था। अच्छा के बात होगी, वो अंग्रेजी में के क्या आग रहा है? हाँ के प्रॉब्लम होगी मैडम? है सर, इन दोनों ने मेरे पति को मार दिया और अब ये दोनों मुझे भी मारना चाहते हैं, और इनने मेरे पर से 5 लाख रुपए भी चुरा लिए। सर प्लीज मुझे बचा लो। राजू ये तो उल्टा पड़ गया यार, किसी ने तो हमें ही फंसा दिया, अब क्या करें? अच्छा मर्डर, ऊपर तो चोरी भी। मैडम ये तो डबल केस बन गया। ओ भूतड़ी के इंगे लाओ। जी जी सर। अच्छा अरे के बात, बॉडी तो तगड़ी बना रहा है मेरे यारे, ओहो बाल है सलमान खान की डाल कत्ती साहब है, सर पर तेरा बाल नहीं, अरे तू करा मर्डर। सर ये लेडी झूठ बोल रही है सर, हमने कुछ नहीं किया। कुछ इधर दर है। हाँ बेटे बता के बात हुई। सर ये मैडम जो कुछ भी कह रही है ना, सब झूठ कह रही है, हमने कोई मर्डर नहीं किया। अच्छा मैडम झूठ बोल रहा है सर, अरे तुम दोनों साचे? जी सर। है ना? अच्छा कतिया पागल है तब मने। हाँ मैडम आप बताओ के बात से? सर मैंने आपको सारी बात बता तो दी, अब क्या रह गया बताने को? सर ले जाओ इन दोनों को यहाँ से।
चल लो बेटा। सर हमें कपड़े तो पहने दो। कपड़े थाने में पराऊंगा तुम ना कपड़े। इंस्पेक्टर साहब रुकिए एक मिनट। उतरी का कक्का तुझी हुआ था हमने तो लग गया जा लिया ऊपर। देखें इंस्पेक्टर साहब हमने कहा था ना हमने कोई मर्डर नहीं किया। साहब सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ आपको। रमेश राजू निकालो मुझे। आओ सर। इंस्पेक्टर साहब बात ये नहीं है, बात ये है कि आप जिंदा हो। आप जिंदा हो भगवान का लाख लाख शुक्र कि आप जिंदा हो। मैं बहुत खुश हूँ कि आप बच गए। ये आपने क्या किया? चुप। इंस्पेक्टर साहब ये दोनों लड़के बेकसूर हैं। अगर कसूरवार है तो सिर्फ ये। अरेस्ट हिम। ये अरेस्ट हिम। ये क्या बोल रहे हो आप? चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब आप सीसीटीवी की फुटेज चेक कीजिएगा फिर फैसला कीजिए क्या गलत था क्या सही। मामला उलझ गया हो। था कम में पाया कम में। इंस्पेक्टर साहब और सुन तू भी ध्यान। ये तेरा प्लान नहीं था ये मेरा प्लान था। ये दोनों आदमी मेरे थे क्योंकि तेरे बारे में मुझे पहले से ही शक था कि तू मेरी प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरा मर्डर करवाना चाहती है। लेकिन तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा मैं। इंस्पेक्टर साहब अरेस्ट कीजिए पकड़ लीजिए इसको। नहीं नहीं ये कैसी बात कर रहे हो मुझे माफ कर दो प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा वो इरादा नहीं था। आप गलत सोच रहे हो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सच में आपको चाहती हूँ प्लीज मुझे माफ कर दो। तब अरे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली औरत अब ये रंग अपने जेल में ही दिखाना। इंस्पेक्टर साहब मेरी नजरों से इसको दूर ले जाइएगा। नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम चलो बहुत रंग दिखा लिया आपने चलो सीधे। शुक्रिया राजीव।